एटा हाथरस हादसे में एटा की 64 वर्षीय महिला चंद्रप्रभा की मौत पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। मृतका के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। मामले की उच्च स्तर से जांच होनी चाहिए। जिस प्रशासन ने इस कार्यक्रम को अनुमति दी थी, हम शासन से मांग करते हैं जो दोषी उन पर कार्रवाई हो। विश्वनाथ पाल ने ये बातें कही। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने हाथरस जिला प्रशासन को बताया दोषी। सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजे पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी सवाल उठा दिए। सभी मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी दी जाए। विश्वनाथ पाल ने ये बातें कही है। दोषियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो, भोले बाबा पर कार्रवाई करने की बात कही है। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के हीरानगर मृतका के घर सांत्वना देने पहुंचे थे बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से। सर, आप आज एटा पहुंचे हैं, मृतकों के परिजनों से मिले हैं, शोक संवेदना भी दी है, आपसे व्यक्त की है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, ये दुखी परिवार को अपनी संतावना दी है। माननीय बेंच के निर्देश पर हम लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। शासन इसको गंभीरता से ले और प्रशासन ने, जिस प्रशासन ने इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी थी, इस प्रशासन की भी दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि इसकी इस तरह की घटनाएं ना हो। और मैं निश्चित ही मांग करूंगा सरकार से कि इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि इसके दोषी कौन से लोग हैं। इसमें यहाँ का जो प्रशासन है ये भी दोषी है, क्योंकि अगर परमिशन आपने कार्यक्रम का दिया है तो निश्चित है कार्यक्रम की इस तरह समुचित व्यवस्था करानी चाहिए और जो आयोजक बंधु हैं उनको भी इस चीज पे देना चाहिए। निश्चित इसकी जांच होनी चाहिए और जो ये पीड़ित परिवार हैं, मृतक के परिवार हैं, इनको निश्चित है आर्थिक सहायता भी सरकार को देनी चाहिए। क्या मुआवजा पर्याप्त है? मुआवजा और ज्यादा नहीं, मुआवजा ये क्या है, इस मुआवजे से क्या हो सकता है? तमाम ऐसे गरीब परिवार के लोग खत्म हो गए हैं कि जिनके घर में वो बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उन बच्चों से इनकी जो मुआवजा घोषणा इन्होंने किया, इससे उनका क्या हो सकता है? मुआवजा की मांग करते हैं। नहीं, मैं ये चाहूंगा कि बड़ी बड़ी मुआवजा देनी चाहिए, अच्छी मुआवजा देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए, ताकि उन बच्चों के जिनके कोई नहीं बचा उनका भलन पोषण हो सके। नौकरी भी देनी चाहिए। निश्चित है जिनके परिवार में नौकरी होनी चाहिए, जो मृतक हैं उनकी पूरी मदद करनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच करा के जो भी दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए। इस हादसे को लेकर भोले बाबा कितने जिम्मेदार मानते हैं? इसमें उच्च स्तरीय जांच शासन कराना चाहिए, जो भी इस जांच में जिम्मेदार ठहराया जाए उनको सबको सजा देनी चाहिए। निश्चित जो रामदास जी, कल जो परसों सत्संग में जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, आप वहाँ सत्संग में उपस्थित थे, किस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ, थोड़ी जानकारी प्रदान करें। अरे, ऐसा है कि वहाँ जो पानी पिलाते हैं उनके पास बैठा था मैं, मेरे घुटनों में दर्द था और एक बार घूमने गया था जब भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तो घूम के फिर निद्वारा नहीं गया। भगदड़ के बारे में कुछ जानकारी है आपको? भगदड़ के बारे में सर इतना मुझे नहीं है। जब समापन हुआ तो समापन के बाद जब लोग निकले हैं तो उस वक्त मैं जो पानी पिलाते हैं ना, उस टेंट में बैठा था। अच्छा, जब ये हादसा हो गया है उसके बाद प्रशासनिक सहयोग किस प्रकार से रहा आप लोगों को या वहाँ जो पीड़ित थे उन लोगों को? जब मेरे मुझे सूचना मिली कि तुम्हारी पत्नी एम्बुलेंस में गई है और एक नातनी थी कि वो मिल नहीं रही है, तब उठ के गया मैं, तो मैंने देखा सामने फील्ड था, उसमें काफ़ी महिलाएँ बच्चे पड़े हुए थे, गार्जियंस उन्हें जो मिल रहे थे वो देख रहे थे, बाकी जो लोग एम्बुलेंस आई उन्हें उठा उठा के अपने गाड़ी की व्यवस्था थी, कोई प्राइवेट में कोई कैसे जैसे ही थी, और कुछ लोग वहाँ जो महिलाएं थीं उनके साथ में होंगी, उसके मुँह से उसको सांस दे रही थी, कोई नब्ज देख रहा था, कोई चेस्ट को दाब रहा था, ये देखा मैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या पीड़ितों को, आप वहाँ हॉस्पिटल में गए होंगे, किस प्रकार से जो है सुविधाएँ दी जा रही थी, क्या उनको सही सुविधाएँ दी जा रही थी या वहाँ स्वास्थ्य विभाग की थोड़ी अनदेखी की गई? मैं जब आया, मुझे सूचना मिली तो मैं आया, तो जब वहाँ इमरजेंसी पहुँचा तो स्ट्रेचर पे मेरी पत्नी सब कुछ